आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। जनपद एटा में थाना कोतवाली नगर के श्रृंगार नगर में सुबह बंद मकान में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गैस कटर से दरवाजा काटने के बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस ने मौके से सेल्फास की डिब्बी सहित अन्य सामान बरामद कर घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जनपद एटा के थाना कोतवाली इलाके में सुबह तड़के दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात ने इलाके में हड़कंप मचा कर रख दिया। बताया जा रहा है कि बंद मकान में एक ही परिवार के 5 लोगों के संदिग्ध शव बरामद हुए हैं। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तत्काल इलाका पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को मकान का दरवाजा बंद मिला। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गैस कटर से मकान के दरवाजे को काटकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि राजेश्वर प्रसाद पचौरी स्वास्थ्य विभाग के रिटायर कर्मी थे, जिनका बेटा दिवाकर रुड़की के किसी मेडिकल कंपनी में काम करता है। राजेश्वर प्रसाद पचौरी अपनी पुत्र वधु दिव्या और उसकी बहन बुलबुल और 2 मासूम नातियों के साथ घर पर ही रहे थे। 5 लोगों की संदिग्ध मौत की कहानी ने सभी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी सुनील कुमार सिंह सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटना को लेकर एसएसपी ने बताया कि किसी बाहरी व्यक्ति के घर में प्रवेश कर घटना को अंजाम देने की संभावना नहीं है। मकान में 5 लोगों के शव अलग अलग कमरों के बेड पर मिले हैं। मृतकों के मुंह से झाग निकले मिले। मौके से सेल्फास की डिब्बी, ब्लेड के टुकड़े मिले हैं। वहीं उन्होंने बताया कि किचन में मिले दूध का सैंपल ले लिया गया है। संभवतः पॉइजन से ही 5 लोगों की मौत हुई है। घटना के खुलासे के लिए जांच पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही घटना का खुलासा हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट एटा। ये जनपद एटा के मोहल्ला श्रृंगार नगर में थाना कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह एक वकील साहब ने कोतवाल साहब के नंबर पर सूचना दी कि एक बंद मकान, अंदर से बंद मकान, उसमें एक महिला चारपाई भी पड़ी है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तो सूचना पे कोतवाल साहब पहुंचे और मोहल्ले वासियों की मौजूदगी में इन्होंने, वकील साहब ने सूचना दी थी, उन सब के साथ गैस कटर से दरवाज़ा कटवाया गया, फिर अंदर प्रवेश किया गया और पूरे मकान का देखा गया तो कोई फोर्स्ड एंट्री बाहर से अंदर प्रवेश करने की नहीं पाई गई। अंदर अलग अलग कमरों में अपने बेड पर महिला अपनी चारपाई पे और 2 बच्चे उसके अलग बेड पे, जिनके मुंह से झाग नाक से निकल रहे थे। बेडरूम से एक सल्फास की डिब्बी और हार्पिक की खाली बोतल वो मिली है। एक ब्लेड का टुकड़ा मिला है, मृत दशा में मिले हैं। जो किचन है उसमें भी सारे सामान उसी तरह से इंटैक्ट पड़े हुए हैं। बेडरूम में भी सारे सामान अपनी जगह पे उसी तरह से हैं। जो किचन में एक भगोने में थोड़ा दूध है तो उसका भी सैंपल लिया गया है कि इसमें कोई भी विषाक्त पदार्थ अगर लिया गया हो, किसी ने मिलाया हो, तो उसकी भी सैंपलिंग कराई जा रही। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट के द्वारा भी इसका मौका मुआयना कराया गया है। सभी वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी सहित यहाँ मौके पर मौजूद हैं। परिजन, इनके कुछ परिवारजन मोहल्ले में ही 2 गली दूर रहते हैं, उनको भी सूचना दी गई थी, उनकी मौजूदगी में पूरे मकान की तलाशी कराई गई थी। तो उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने कोई किसी प्रकार की रंजिश होना भी नहीं बताया है। परिवार के जो दिवाकर पचौरी जो उस महिला के पति हैं, वो रुड़की में एक मेडिकल दुकान में, वहाँ मेडिकल कंपनी में काम करना बताया गया है, उनको भी सूचना की गई है।